العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. सबसे पहले बहलुपाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर तरह की तारीफ़ और तौसीफ़ मैं बयान करता हूँ जिसने हमें ये मौका फराहम किया है और ये वक्त दिया है और जिसने हमारे लिए ये रास्ते मुहैया कर दिए कि हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद दरूद सलाम का नज़ूल मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उसके साथ ही साथ मैं अपने फाफी दोस्त शेख सनाउल्लाह साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें हम नाचीज़ को या मुझ नाचीज़ को यहाँ कुछ बोलने के लिए वक्त मुहैया किया है या हमें ये यहाँ बैठा करके शर्फ़ कबूलियत बख्शा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो यूनेसा जालियात है या आप लोग जो भी इसमें मुताबिन हैं या जो भी जिधर से भी हाथ बढ़ाते हैं और या हमारे जो भी दोस्त अहबाब हैं उनके इस जद्दोजहद को और इस साई को कबूल फरमाए। भाई और दोस्तों, मैं कोई लंबी तकरीर करने नहीं आया हूँ, चूँकि हमारे साथी बोले हैं कि भाई दो चार मिनट दस मिनट आप कुछ नसीहत कर दीजिए, तो चूँकि मौका है और हर एक आलिम के ऊपर या मान लीजिए जानने वालों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बात लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं बल्ले वानी बुलवाए, जहाँ तक हो सकता है जो कुछ भी हो सकता है, यानी आप एक बात दो बात भी जानते हैं तो उसको दूसरे तक पहुँचा दें। भाई और दोस्तों, मौजूआत बहुत है, इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो आप लोगों के सामने हम जरूर हाजिर होंगे। मैंने आपके सामने एक छोटी सी सूरत की तिलावत की है जो सूरतुल असर के नाम से जानी जाती है। मुख्तसर सी आयत है, मैं उस आयत करीमा की तर्जमा में आपके सामने रख रहा हूँ कि उसका मतलब उसका मफहूम क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुकद्दस के अंदर ये छोटी सी सूरत की इब्तिदा वाव से किया है और यहाँ वाव शुरू में जो लाया है इसे कसम खाया था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर मुख्तलिफ जगहों में कसम खाई और उन्हीं चीजों की कसम खाई है जिसकी अहमियत को बयान करना मकसूद होता था। अब कहीं देखेंगे वज़ुहा, चाश के वक्त की कसम, या कहीं और देखेंगे सूरज की कसम, उसके बाद इसी तरह सूरज जो गर्म लगता है उसकी कसम, जो कुछ भी है ये चीज बयान किया, मतलब ये है कि उसकी अहमियत को बयान करने के लिए। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है वल असर। अब असर तो आप जानते हैं, हम सारे भाई जानते हैं असर किसको बोलते हैं, सारे लोग कहते हैं असर का वक्त हो गया, असर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं या जो कुछ भी है, तो असर से मुराद बाज़ लोग ये असर का वक्त लेते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं, असर से मुराद जो ये रोजमर्रा या ये घंटे या सेकंड या मिनट जो भी हमसे गुजर रहे हैं वो मुराद है। बहरहाल जो भी ले इससे मुराद वक्त है, उससे मुराद वक्त, चाहे घंटे हो या असर के वक्त हो या मगरिब का वक्त हो, जो भी हो इससे मुराद वक्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा रहा है वल असर, कसम है इस जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, सारे के सारे यहाँ उमूम लाया अल्लाह रब्बुल आलमीन, सारे लोगों को कह दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा कि इंसान घाटे टोटे खसारे के अंदर है। क्या वाकई सारे के सारे लोग घाटे और नुकसान के अंदर है? तो जब अगली आयत हम देखेंगे तो वहां तख़सीस कर रहा है कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घाटे और खसारे के अंदर नहीं है। फरमाया इंसान लफी खुस्र लेकिन मुख्तसर तौर पर ईमान बोलते हैं कि
दिल से मानना, जुबान से तस्दीक करना और अमल यानी हाथ पैर से जाहिरी जो आजा है उसे करके दिखाना, इसको ईमान लोगत में बोले जाते हैं या शरा में बोले जाते हैं, लोगत में बोलते हैं तस्दीक करना, किसी चीज को मान लेना। जब किताब सुन्नत के रूप से हम देखेंगे तो ईमान बोलते हैं अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के रसूलों के ऊपर, अल्लाह की किताबों के ऊपर, उनके फरिश्तों के ऊपर और यौम आखिरत के ऊपर, तकदीर के ऊपर, ये छह चीजें जिसपे ईमान लाना है, उसके सारे के अदिल्ला और दलाइल मौजूद है कुरान हदीस के अंदर, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इल्ला लजीना आमन, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाया, यानी जो ईमान लाए वो घाटे और नुकसान के अंदर नहीं है। जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल किया वो घाटे और टोटे के अंदर नहीं है। यानी चार बातें बयान की अल्लाह, जो ईमान लाए, अमल सालेह किए, और तीसरी चीज क्या है, वतवासौ बिल हक, हक बात की वसीयत की, वतवासौ बिसब्र और सब्र की तलकीन की। इस सूरत के बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लौ मा अनज़लल्लाहु अला खल्क़िही हुज्जा इल्ला हाज़िही सूरा लकफ़त, यानी इस सूरत छोटी सी सूरत जिसके बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन के ऊपर मुकम्मल कुरान नबी नाज़िल करता, सिर्फ इस सूरत को नाज़िल कर देता यानी सूरत नाज़िल को, तो ये उम्मत के लिए काफी हो जाता। क्यों काफी हो जाती, क्या है इसके अंदर, इस सूरत के अंदर मैंने बताया कि चार चीज बयान हुई कि चार किस्म के लोग घाटे और नुकसान के अंदर नहीं। अब इस सूरत के अंदर जब हम गौर करेंगे तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां आई होती वो चार चीजें खास तौर से, सबसे पहले इल्म हासिल करना, और इल्म बहुत जरूरी है भाई और दोस्तों, वक्त हो जाए तो भाई बता दीजिएगा, चूंकि 10 मिनट 5 मिनट टाइम है, तो इल्म हासिल करना, सबसे पहले इल्म हासिल करना। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब आता है बुखारी के अंदर, बाबुल इल्म क़ब्ल अल-क़ौल वल-अमल, बाबुल इल्म क़ब्ल अल-क़ौल वल-अमल, यानी किसी चीज को करने या करने से पहले उस चीज के बारे में उसके पास मालूमात होनी चाहिए। नमाज पढ़ रहे हैं या किसी को नमाज की आप तलकीन कर रहे हैं कि नमाज ऐसे पढ़िए, तो आपके पास उसका इल्म होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इल्म होना चाहिए, कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए अल्लाह है, अल्लाह के बारे में हमें इल्म होना चाहिए कि वो कौन है, कैसा है, किस तरह हम उस पर ईमान लाएंगे, दूसरे को हम किस तरह कहेंगे उस पर ईमान रखने के लिए, तो इसके बारे में आपके पास इल्म होना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बारे में फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप जान लीजिए कि अल्लाह ही इबादत के हकदार है, उसके सिवा कोई इबादत के हकदार नहीं है, है ना। अब दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग देखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा क्या करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। क्या वाकई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई मामूद नहीं है? अगर मैं साबित कर दूं तब गलत। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मामूद नहीं है, क्या अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होती है? बहुत है, बहुत है जिनकी इबादतें हो रही है दुनिया के अंदर। लोग मूर्ति को पूजते हैं, लोग कब्रों को पूजते हैं, लोग मालिक सूरज को चांद को पूजते हैं, तो क्या ये अल्लाह के सिवा मामूद नहीं जिनकी पूजा हो रही है, या इनको लोग पूजा कर रहे हैं इबादतें कर रहे नहीं है? है तो यहाँ हम क्या कहेंगे, हकीकी माबूद हमारा कौन है? अल्लाह। यानी हकीकी जो माबूद है या हमारा जो रब है जिसकी इबादत के लिए हमें जिसने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा किया वो हमारा रब है, तो इसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया, उसने ये दुनिया को बनाया, जो भी चीज़ हो, जिस चीज़ के बारे में है, जो भी दुनियावी चीज़ है, दुनियावी चीज़ मान लीजिए आप गाड़ी सही करते हैं या कहीं खाना बनाते हैं, उसके पास आपको इल्म होना चाहिए कि हम किस तरह बनाएंगे। दूसरी चीज़ मुख्तसर में अमल, जो सबसे अहम चीज़ है, और अगर अमल नहीं है तो आपका और कोई फायदा नहीं देगा। आप किसी को कहेंगे तो वो भी आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा, या ऑटोमेटिक आपकी जो बात है उसके ऊपर असर अंदाज नहीं करेगी, या आपका जो बात है उस पर कोई असर नहीं डालेगा।
तो भाइयों दोस्तों इल्म के साथ साथ अमल जरूरी है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम ऐसी बात क्यों बताते हो, ऐसी बात क्यों करते हो जिस पे तुम खुद अमल नहीं करते। तीसरी चीज क्या है, वतवासव बिलहक, हक बात। अब हक में जाएंगे, बड़ी लंबी बहस है, मुख्तसर में यह है कि जो भी दीनी उमूर है या दीनी दीन के अंदर जो भी अच्छी बातें हैं उसके तरफ आप रहनुमाई करें, दूसरे को बताएं। मान लीजिए आपके बीवी बच्चे हैं नमाज नहीं पढ़ते या गलत काम कर रहे हैं, या आपके आस पड़ोस में आपके दोस्तों अहबाब हैं, अगर वो गलत राह पे जा रहा है तो उनका मना कीजिए। यही हक बात कि भाई ये काम आप जो कर रहे हैं गलत है, इनको आप सही तरीके से जैसे बतलाया भाई साहब ने कहा कि कलिमा तिलावत किए कि वल उदुउ इला सबीले रब्बिका बिल हिकमा, शायद इसी आयत की तिलावत की है शेख सनाउल्लाह साहब ने, और नहीं वो दूसरी आयत की तिलावत की थी, वो मन अहसन कबला इमाम दाए अल्लाह व अमल सालिह वकाल इबनी मिन मुस्लिमीन, हक बात की आप वसीयत कीजिए, जो भी हो सकता है जहां तक हो सकता है आपके कुदरत के अंदर जो भी है जहां तक सकत है आपकी आप उसको रोकिए। इसलिए हदीस के अंदर क्या है कि मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुबदिलहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलसानिही फइन लम यस्तति फबिकल्बिही वदारका बिलईमान, आप में से जिसके पास भी अगर हाथ से ताकत है तो हाथ से ताकत का मतलब नहीं कि हम उसे झगड़े मना करें भाई ये काम नहीं करें ये अच्छा नहीं है। अगर आमतौर से इसके जो मुहदीसीन है इसके जो शरह में लिखते हैं ये हुकूमत के तहत है, यानी हुकूमत आपसे रोक सकती है, अगर हुकूमत के अंदर है तो हुकूमत रोक सकती है। दूसरी चीजें जो हम लोगों से भी ताल्लुक रखता है वो दूसरी चीजें क्या है, जुबान से आप उनको समझाए, जुबान से समझाए, जुबान से समझाए तो ठीक है, अगर जुबान से भी नहीं समझे और बार बार उनको समझा रहे मतलब है कि भाई ये सही नहीं है लेकिन फिर भी नहीं मान रहे तो आप इनके अंदर उसको पूरा जान लीजिए। ईमान, ईमान का ही सबसे कमतर दर्जा है और निचला दर्जा है। और चौथी बात जो है भाई मुख्तसर में असब, यानी आप जो दावत दे रहे बसा बात ऐसा भी होता है कि आप जो बात बतलाते हैं दूसरे आदमी कहते हैं यार जाओ तुम बहुत बड़ा बन रहा है यार अपने आप को क्या समझते हो, तो सब तो बहुत बुरा लगता है दावत देने वाले है ना। कहीं भी आप आपके मान लीजिए रूम में कोई आदमी गाना सुन रहा है या फिल्म देख रहा है उनको पता है भाई इस तरह की ये जो तस्वीरें हैं या मान लीजिए ये मोसीकी जो आप सुन रहे हैं या ये म्यूजिक सुन रहा है ये सही नहीं है, तो कहते यार जाओ हम सुन रहे हैं तुम्हारा क्या लेना है। बस आप तो बोलते इस तरह के बहुत सारे भाई, या आप दिनी बात बता रहे थे या बहुत सारे भाई ऐसे होते कि उनके साथ में गैर मुस्लिम होते गैर मुस्लिम को बताते हैं तो उनको उनकी बात को रद्द कर देते, कहते यार हम जो कर रहे हैं हम अपनी जगह सही है ना, इस तरह की बातें आती है। तो ऐसी सूरत में भाइयों दोस्तों सब्र की जरूरत होती है, ये नहीं कि हम तंग आ जाए और इस बात को हम छोड़ दें कि हम दावत ही ना दे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाइयों दोस्तों मुख्तसर तौर पर यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो वक्त दिया है हम इसको गनीमत समझे और हर आदमी इस दावत को अपनी जिम्मेदारी समझे कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन दिया है और जो कि दुनिया के अंदर सबसे अफजल और आला दीन है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मेरा दीन सिर्फ इस्लाम है। अब इस्लाम के अलावा दुनिया के अंदर बहुत सारे अध्ययन मजाहब है, क्या सारे सच है? नहीं, सारे के सारे झूठे, और वो लोग जितना भी अमल कर ले जितना भी कार्य खैर कर ले उसको कोई फायदा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह काफ के अंदर फरमाया अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयात अद-दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं चाहे हमारे मुस्लिम ही मान लीजिए जो मुस्लिम में जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत कर रहे हैं ये भी इसके अंदर दाखिल है, या मान लीजिए जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो भी इसके अंदर दाखिल है कि अगर वो नबी के तरीके से हटकर कोई नया तरीका इजाद करके अगर इबादत कर रहा है तो उसके इस इबादत का उसे कोई सवाब नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कि बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो नेक अमल कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमें इसका सवाब मिलेगा जबकि उसका ये करना सारे के सारे बेकारों का करा होता है। तो भाई और दोस्तों हमें कोई भी अमल किताब और सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए और जो सबसे अहम चीज़ है वो इल्मे दीन है और इल्मे दीन सीखना हर मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है और सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप तालीम याफ्ता हो या पढ़े लिखे हों तभी आप दीन सीख सकते हैं। आपके लिए अभी बहुत सारे मौके हैं जिससे आप सुन करके इल्मे दीन हासिल कर सकते हैं। एक अनपढ़ आदमी इसलिए वीडियो सुन करके या मौलाना की तकरीरें सुन करके कहानी बन गया है,
किसके पास आप पहुंचने को कौन नेट नहीं चलाता अपने रूम में, सारे लोग अपने मोबाइल में नेट लगे हैं। उसूल बना लीजिए भाई, उसूल बना लीजिए भाई, हमारा 10 मिनट से नहीं सुनेंगे, 10 मिनट दिन ही बात किसी भी आदमी में जो भी हो, दीदी जो मान लीजिए अहले सुन्नत वल जमात में से जो भी हमारे उलमा है जिसको आप पसंद करते हैं, 10 मिनट उसकी बात सुनिए। सुनने के बाद उसको ऐसे छोड़ दे, हमारे जो बहुत सारे जो आपके जहन के खिलाफ होता है कि भाई ऐसी बात इसमें जो हमारे जहन के अंदर या हमारे माहौल में हमारे मुस्लिम नहीं करते, तो अगर इस तरह की बात आए तो उसकी तहकीक कीजिए, उसकी तहकीक कीजिए, दूसरे उलमा से पूछिए जिनको आप जानते भाई मैंने इस तरह सुना है ये क्या सही है या नहीं। तो ये सब बातें हैं भाइयों और दोस्तों, इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो हम आप लोगों के सामने आएंगे और जरूर बात करेंगे। अभी हमारे शेख शमसुद्दीन साहब अल्लाह ताला उन्हें जैसा खैर दे आप लोगों के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। वैसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं शेख साहब को कहा कि दीजिए उनको पूरा, लेकिन बोले कि नहीं, तो मैं शेख शमसुद्दीन साहब को अभी दे रहा हूँ और वो आपके सामने कुछ अपनी बातें रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।